इतिहास के बारे में हाईएस्ट पीसीएस मेरी अदर और कदर करते हैं, हाईएस्ट पीसीएस रैंक के अधिकारी मेरी कदर करते हैं और अनपढ़ गवार मेरे इतिहास के बारे में वो पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि धर्म की धज्जियां उड़ाने वाला यहाँ के आर्य मनुस्मृति में जितना टूटी और फूटी और जितना यहाँ के अनादियों को दबाने की कोशिश किया गया उसकी इतिहास में सामने पहन के बैठा हूँ। अगर आप मनुस्मृति विश्व में इस सृष्टि रचना के कुछ दिन के बाद में शुरू हुई वो है मनु महाराज की मनुस्मृति, यानी कि वहाँ का संविधान। वो संविधान अब जब तक मनुस्मृति आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अंधे लूले लंगड़े के तुल्य है, पशु के तुल्य है। इसको मैं पहन करके जो घूमता हूँ तो ये बता कर रहा हूँ, ये मेरा देश बौद्धमय था, राजा बृहदस्त को राजनीति द्वारा मार डाला गया और ये पूरा हिंदुस्तान बौद्धमय था। उसके बाद में अंग्रेज की जय जयकार हो, क्योंकि वो हमको पढ़ने लिखने के लिए नर और नारियों को अनारियों को एक स्कूल खुलवा दिया और सबको छूट दे दिया कि कोई भी नर नारी कोई भी पढ़ेगा ए टू जेड, कोई भी इसमें जात धर्म का वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो हमको धीरे धीरे अंग्रेज सहारा दिया, अंग्रेज यहाँ से आर्य द्वारा विदेश से आए हुए यहाँ से राजनीतिक द्वारा हमको इतना वर्ण व्यवस्था में विभाजित कर दिया 7652 या 51 ऐसे कुछ याद नहीं पूरा कन्फर्म, हमको अलग अलग कर दिया कि उसको कोई किसको मार रहे हैं तो लोहरा को मार रहे हैं तो कुर्मिया नहीं बोल रहा है, और क्या नाम है बढ़ई को मार रहे हैं तो उसका भाई कोई लोहार नहीं बोल रहा, चमार को मार रहे हैं तो कोई नहीं बोल रहा है, तो अलग अलग करके और इतने संघर्ष हुआ, इतना मार पीट काट, इतना युद्ध हुआ कि धरती से कुछ तो चीन भाग गए और कुछ जंगल भाग गए, कुछ इधर उधर तितिर बितिर हो गए और कुछ नागा पंथाई को घोषित करके कि जो कोई भी भंते का सर लेके आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो बुद्ध की करुणा हुई और मेरे तथागत बुद्ध ज्ञान के सागर से जैसे कि समुद्र दूर से देखने पे नीला दिखाई देता है, ऐसे दूर से देखने पे तथागत बुद्ध सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए और ज्ञान प्राप्त करके और दुनिया को जागृत करना चाहा। तो सिद्धार्थ गौतम पूरे सह परिवार के साथ में कहीं घूम रहे थे, यानी उसी क्षेत्र में अपने, तो वहाँ देखा एक बुढ़िया को दनादन 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 डंडे पड़ रहे थे, तो कहा अरे मत मारो मत मारो, तो कह नहीं ये दंड के अधिकारी है, कह क्यों, कह ये प्रसाद लेने मंदिर में चली गई थी इसलिए इसको दंड दिया जा रहा है। तो बुद्ध के ऊपर इतना कानून लागू हुआ कि बुद्ध को दंड अधिकारी बनाया गया, तो दंड अधिकारी ने उनको 3 सजाएं दिया गया, या तो देश निकाला निकासी या मौत के दंड, और एक दंड और था ज्ञान या ऐसा कुछ था जो कि 3 दंड दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है माँ बाप का भाव पकड़ करके राजा सुद्धोधन के पुत्र थे, साक्ष वंश के थे, तो वो उनको
आया कि अब हम देश निकासी चले जाएंगे, मृत्यु आ जाएगी तो ठीक नहीं है, और अगर हम अब और बैल के पुत्र चले जाएंगे तो भी नहीं ठीक है।